हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस फॉर टुमारो। तो आज हमने निफ्टी में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखी है और 17,360 के लेवल देखे हैं, या लगभग 522 पॉइंट के साथ लगभग 3% अप बंद हुआ है निफ्टी। और यहाँ जो है तो कल हमने बुल्स का कैपिचुलेशन देखा था, आज जो है तो बियर्स का कैपिचुलेशन हुआ है। और ये जो शॉर्ट कवरिंग रैली है ये आगे भी बढ़ सकती है। तो चलो देखते हैं चार्ट पे अभी क्या सिनेरियो है। तो वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि वीकली चार्ट पे निफ्टी ने सुपर ट्रेंड रिजेक्ट कर दिया है, तो ये एक बुलिश साइन है। अगर बाय साइड का सुपर ट्रेंड रिजेक्ट होता है, इसका मतलब जो है तो बुल्स बहुत ही स्ट्रांग है। और यहाँ से जो है तो हम अच्छा खासा रिवर्सल मीडियम टू लॉन्गर टर्म में देख सकते हैं, मगर उसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। जो सुपर ट्रेंड का लेवल है वो क्लोजिंग बेसिस, वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा। तो 16,900 का वीकली क्लोजिंग का स्टॉप लॉस रहेगा निफ्टी के लिए, जो इन्वेस्टमेंट है उनके लिए। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर से हम जो है तो डीपर करेक्शन के लिए जा सकते हैं, मगर अभी फिलहाल लगता है कि हम जो है तो अच्छा खासा रिवर्सल आ चुका है और यहाँ से ऊपर के ही लेवल आते हुए दिखते हैं मीडियम टू लॉन्गर टर्म में, अगर ये 16,900 का लेवल इंटैक्ट रहता है तो। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने जो कल गैप के साथ नीचे खोले थे वो गैप फिलअप कर दिया है। और यहाँ जो है तो निफ्टी मेजर ये स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए ऊपर की तरफ, आज जिन्होंने भी शॉर्ट किया होगा और जो भी शॉर्ट लिए होंगे उनका स्टॉप लॉस हर एक लेवल पे उन्होंने ब्रिज किया है, और ये शायद कल भी चालू रहेगा। तो कल यहाँ जो है तो हम देख सकते हैं कि 17,600 की तरफ निफ्टी जो है तो बाउंस बैक कर सकता है। तो यहाँ एज पर डेली चार्ट मेरा व्यू बुलिश रहेगा और 17,600 के लेवल मुझे आते हुए दिखते हैं। और यहाँ जो है तो मेजर एवरेजेस को टच करने के लिए फिर से निफ्टी ऊपर जा रहा है, और मेजर एवरेज जो है तो यहाँ देख सकते हो कि 17,510 का ये जो एवरेज है ये 50 डेज का एवरेज है, तो उसको फिर से एक बार टच करने के लिए निफ्टी ऊपर जा सकता है। तो यहाँ जो है तो 17,500 से लेकर 17,600 तक मुझे बाउंस बैक दिखता है। अगर वहाँ फेल होता है तो फिर हम जो है तो फिर से सेल ऑफ देखेंगे निफ्टी में, मगर अगर उसको क्रॉस कर लेते हैं तो हम ऊपर के भी लेवल आते हुए देख सकते हैं जो 18,100 के रहेंगे। तो 18,100 तक भी निफ्टी जा सकता है अगर हम 17,600 के लेवल को क्रॉस कर लेते हैं तो। तो यहाँ जो है तो मल्टीपल रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ, पहला रेजिस्टेंस 17,600 के पे, उसके बाद में 17,800 पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, और उसके बाद में जो है तो 18,100 पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। तो मल्टीपल रेजिस्टेंस है, मगर यहाँ जिस तरह से रिवर्सल आया है और जिस तरह से कैंडल बनी है, मुझे लगता है कि हम जो है तो ऊपर के लेवल आते हुए देख सकते हैं। और कल के लिए मेरा व्यू रहेगा बाय ऑन डिप्स। तो देखते हैं कहाँ बाय करना है। तो यहाँ हम ओवरसोल्ड रीजन से, और जो मैंने कहा था कि यहाँ जो है तो मंथली जो लो है उसके नीचे अगर सस्टेन कर दे तो उसके ऊपर ही खुले, वहाँ से ही हमने सपोर्ट लिया और वहाँ से ही अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली। तो यहाँ जो मंथली लो था पिछला, उसके वहाँ से हमने रिवर्सल दिखाया है, और अभी हम जो जा रहे हैं वो पिछले वीक का हाई जो है तो वो है 17,650। तो 17,650 का एज अ टारगेट रहेगा। यहाँ मल्टीपल रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ, मगर मुझे लगता है कि नीचे के लेवल पे आपको बाय करना चाहिए और स्टॉप लॉस छोटा रहेगा इस टाइम। तो आपको 17,200 से लेकर 250 के बीच में आपको एक्युमुलेट करना है निफ्टी को। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 17,150 के नीचे, और जो टारगेट बनेगा आपका फाइनल टारगेट वो रहेगा 17,600 से लेकर 17,650 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ मेरा व्यू अभी जो है तो बाय ऑन डिप्स रहेगा, क्योंकि ये जो है तो ये मुझे लगता है कि ये शॉर्ट कवरिंग रैली, इसमें अगर नीचे के लेवल भी आते हैं तो वहाँ अच्छे खासे फिर से शॉर्ट कवर करने के लिए लोग आएंगे। और यहाँ जो है तो और एक गैप बाकी है निफ्टी का, जो गैप है आप देख सकते हो चार्ट पे, वो गैप है लगभग 17,600 से लेकर 17,450 का, जो हमने पिछले वीक देखा था, उसको भी फिलअप करना है। तो मुझे लगता है कि ये जो शॉर्ट कवरिंग रैली ये फिर से जो पिछला हाई था 17,650 उसको टच करने के लिए जा सकती है, वहाँ से फिर मुझे लगता है कि एक डीपर करेक्शन आ सकता है। मगर फिलहाल के लिए मुझे लगता है जिस तरह से प्राइस पैटर्न है और जिस तरह से प्राइस मोमेंटम है, हम जो है तो कल के लिए भी लॉन्ग ट्रेड लेकर जाएंगे और 17,600 से लेकर 650 ये हमारा फाइनल टारगेट रहेगा। यहाँ जो है तो ये भी गैप फिल हो जाएगा जो पिछले हफ्ते क्रिएट हुआ था, और यहाँ हमने आज जो है तो कल का गैप जो है तो फिल कर दिया है पूरा। अभी नेक्स्ट गैप रहेगा जो पिछले वीक का था। तो यहाँ आपको अभी जो मैंने कहा था पिछले वीडियो में, शॉर्ट में छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है, तो हमने मॉर्निंग में शॉर्ट किया था
हमने देखा भी कि ओपन होने के बाद जो है तो मार्केट अच्छे खासे, आप देख सकते हो कि ओपन होने के बाद अच्छी खासी पहले आवर में अच्छी खासी रेड कैंडल बनी और वहाँ से फिर जो सपोर्ट था मंथली लो का उसके सपोर्ट लेके अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली देखी हमने और हर एक आवर में जो है तो अच्छे खासे गेंस हमें देखने को मिले हैं यहाँ और ये कंटिन्यू रहेगा मुझे लगता है कल के दिन भी। तो यहाँ बाय ऑन डिप्स करना है 17,250 से लेकर 300 के बीच में भी आप अगर तीन लॉट पे काम करते हो तो 300, 250 और 200 पे एक एक लॉट ऐड कीजिए, 150 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 600-650 के उसके लिए टारगेट रहेंगे। ऑप्शन ट्रेडर जो है तो उनके लिए सलाह रहेगी कि 17,600 का जो कॉल ऑप्शन है फेब एक्सपायरी का, मंथली एक्सपायरी का, उसमें जो है तो डिप्स पे हम एक्यूमुलेट करेंगे और उसमें हमें अच्छे खासे लगभग 2x गेन दिखाई दे सकते हैं अगर हम 650 पे जाते हैं तो यहाँ अच्छी खासी फिर से मार्केट बाइंग की मौके देगा कल। अगर मिलते हैं और नीचे मिलता है मार्केट तो आपको इसमें ज़रूर एक्यूमुलेट करना चाहिए और यहाँ स्प्रेड कर दीजिए जो भी आपके ऑर्डर्स होंगे उसको जो है तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए 300, 250 और 200 के लेवल पे। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये कल के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है, मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।